नमस्कार, आप सबका स्वागत है। शहर के एक हॉस्पिटल में हैरान वाला केस सामने आया। ये अपने आप में रेयर केस है। दरअसल 50 साल की एक महिला के गाल ब्लेडर में मक्का के दाने के साइज की 140 पथरी निकली। अब डॉक्टर की टीम इस पथरी के गुच्छे को ऑयल इंडिया प्रेजेंटेशन के लिए भेजेगी। मामला मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले थांदला तहसील गांव का है। यहां रहने वाली 50 साल की हुमाबाई लंबे समय से पेट दर्द से परेशान थी। वह इलाज के लिए मेघनगर के जीवन ज्योति हॉस्पिटल पहुंची। यहां सर्जन डॉक्टर मार्कुस दामोर ने उसको चेक करने सोनोग्राफी के लिए भेजा। सोनोग्राफी में गाल ब्लेडर में मल्टीपल पथरी होने की बात सामने आई। ऐसे में डॉक्टर दामोर ने ऑपरेशन करने का फैसला लिया। ऑपरेशन के बाद जब गिनती की तो 140 पथरी निकली। फिलहाल ऑपरेशन के बाद हिमाबाई पूरी तरह से ठीक है। डॉक्टर्स के मुताबिक गाल ब्लेडर लिवर से चिपकी एक थैली के समान संरचना होती है, जिसका साइज 6-7 इंच की रहता है। इसमें पथरी कम होती है और होती भी है तो उसका आकार बहुत कम रहता है। इतनी ज्यादा मात्रा में पथरी निकलना संभव नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्होंने पथरी के कई ऑपरेशन किए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में गाल ब्लेडर से पथरी निकली। इस केस के मामले में मैंने बाहर के स्पेशलिस्ट से बात की थी। उन्होंने केस को ऑयल इंडिया डॉक्टर जनरल में भेजने को कहा है।